After the Congress launched a scathing attack against the Modi government over their alleged non-performance in their 2 years at the centre, the BJP now hitting back at the opposition. देखो एक बात सच है कि कांग्रेस दिन ब दिन अपना प्रभाव खो रही है और उसका जो हिंदुस्तान के मुख्य राजनीति में जो एक मुख्य राजनीतिक पार्टी का जो रिलीवेंस था वो खत्म होते जा रहा है। कुछ जगह रीजनल पार्टी बढ़ रही है, कुछ जगह बीजेपी को फायदा मिला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा से लोग अब तंग आ चुके हैं और कांग्रेस का नेतृत्व जो है उसका एक ही कैपिटल है, फियर, डर। माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करो, कहीं बैकवर्ड जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मन में डर पैदा करो, गरीबों के मन में डर पैदा करो कि ये सूट बूट वाली सरकार है, और ये डर पैदा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। मेरा विश्वास है लोग सच्चाई को समझ चुके हैं। ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिया? क्या यहां नदियों में दूध की नदियां बह रही हैं? ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? क्या लोग बच्चों को रोजगार मिल गया? क्या बलात्कार खत्म हो गया? क्या व्यापारी खुश है? क्या उद्योगपति खुश है? क्या इंस्पेक्टर राज चले गया? क्या बैंकों का क्रेडिट ऑफ टेक ठीक है? क्या बैंकों के एनपीए खत्म हो गए? मतलब कि किस लिए ये जश्न मनाया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने 2 साल पूरे कर लिए इसलिए मनाया जा रहा है? क्योंकि बुनियादी तौर पे जो परिवर्तन की उन्होंने बात की थी चुनाव से पहले, वो परिवर्तन तो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि एक ही शख्स का रोजगार पक्का हो गया, वो है नरेंद्र मोदी। किसी और का तो रोजगार पक्का ही नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि निराशा का सम्मेलन है। कांग्रेस हताश है, निराश है, क्योंकि उसको आगे कोई भविष्य दिख नहीं रहा। देश की जनता खुश है और कांग्रेस नाराज है और निराश है, और देश के अंदर निराशा का वातावरण बनाना चाहती है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरी तरह से देश के लोगों को गुमराह करने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिनको चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो नरेंद्र मोदी को जीत का सर्टिफिकेट क्या देंगे? कांग्रेस के नेता खुद अभी आसाम में हारे हैं, केरल में हारे हैं, और बंगाल और तमिलनाडु में उनकी बुरी हाल हुई है, और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर देश गर्व कर रहा है। देश में सुनहरे अक्षर से लिखा जा रहा है ये कार्यकाल, इसलिए कांग्रेस हताश और निराश है। लेकिन सर, उन्होंने ये भी कहा कि हम उस 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, काले धन की जो बात करते थे, बातें क्या हवा हवाई में उड़ गई, या फिर पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल मोदी जी के गुणगान स्तुति गान में लगा हुआ है? देखिए, कांग्रेस का पूरा कुंभा लगा है मोदी जी की निंदा करने में, और देश की 100 करोड़ से ज्यादा जनता लगी है मोदी जी का गुणगान करने में। कांग्रेस को ये भी पच नहीं रहा, और कांग्रेस पूछ रही है कि 15 लाख का क्या हुआ? तो हमने कांग्रेसियों के लिए वादा किया था, आपने तो इतने घोटाले किए हुए हैं कि आपको 15 लाख की जरूरत क्या है? बहुत साफ है कि ये जो है नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले भी जो है बयानों की राजनीति करते थे, इश्तिहारों की राजनीति करते थे, सोशल मीडिया की राजनीति करके इन्होंने इल्जाम लगाए, भ्रष्टाचार की बात की, किसान के उत्थान की बात की, नौजवान के नौकरियों की बात की, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने की बात की, नौजवान, किसान और पाकिस्तान, ये तीनों जो हैं आज की तारीख में देख लीजिए, नौजवान को कितनी नौकरियां मिली, सरकार बनने के बाद भी वो ये कहते हैं कि साहब हम जो है आपको जो है नौजवानों को नौकरी के लिए पेपर अटेस्ट नहीं करवाने होंगे, इंटरव्यू नहीं देने होंगे। अरे इंटरव्यू अटेस्ट तो तब करवाएंगे जब नौकरियां उनको दोगे ना, नौकरियां निकालोगे। आपने 1,34,000 को नौकरियां निकाली हैं, 2 करोड़ की आप बात कर रहे थे, ये सरकारी आंकड़े हैं। 20,000 नौकरियां जो बड़े बड़े उद्योग घरानों से कम कर दी गई हैं। ओवरऑल 2 साल का जो ये टेन्योर है, क्या कहेंगे आप? ये 2 साल का टेन्योर जो है ये कह रहे हैं मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ इश्तिहारों में बढ़ रहा है, इश्तिहारों में जो है बढ़ रहा है। देखिए, आज मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में पूरे देश में एक हर्ष का माहौल है, एक खुशी का माहौल है, देश बदल रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बेहाल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था या मुशायरा था ये तो हम जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी नेता बैठे थे सभी केवल शेरो शायरी सुनाने में लगे थे, कोई कंटेंट तो था नहीं। ऐसे में बेहतर होगा कि इस खुशी के अवसर पर मैं ज्यादा कुछ ना कह के एक उन्हीं के शेर को उनको तोहफा के रूप में प्रस्तुत करूं। आजाद साहब ने कहा था, मैं फरमा रहा हूं, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अंजामे गुलिस्ता मेजर सर्जरी होगा और क्या होगा, और सर्जरी की कवायद तो खुद कांग्रेस के अंदर से ही आ रही है। मोदी सरकार का 2 साल का सफर तीन शब्दों में उसकी व्याख्या की जा सकती है। समारोह का साफा साथ लिए, प्रचार की पिपासा और न्यारे नारे अन्यारे यानी अनेक नारे। समारोह का साफा साथ लिए, प्रचार की पिपासा और नारे अन्यारे। और इसीलिए किसी शायर ने कहा भी है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खूबी ने निकला। चुनाव से पहले वायदों का मायाजाल और 2 साल बाद देश का बुरा हाल। करप्शन कमीशन कुशासन कांग्रेस इसमें चैंपियन रही है, और जहां कांग्रेस ने करप्शन किया वहीं से हमने अपनी उपलब्धियों की शुरुआत की है, चाहे कोल का नीलामी हो, चाहे 2G की नीलामी हो, हमने देश के खजाने को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। और 50,000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां हमने ब्रॉडबैंड की सेवा दी है वहां पर, और 12.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको अपने उन्होंने जिन्होंने अपना जीवन बीमा कराया है, और 3.3 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने स्वरोजगार देने का काम किया है, और करीब 2.25 लाख ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको ORP के माध्यम से सहायता मदद मिलेगी। और हमने फसल बीमा योजना हम लोग लेकर आए, हर गांव में 24 घंटे बिजली हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हों, और जहां दुनिया में इकॉनमी का स्लो डाउन है वहीं हमने हमारी 7% से ऊपर हमारी GDP है। तो हमने दुनिया में जहां भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, और अभी तो हमारी शुरुआत है, और इसी में कांग्रेस की ज़मीन खिसक रही है। अगर 2 साल में देखें तो कांग्रेस ने जो उनके बड़े राज्य थे वो कांग्रेस ने खोए, तो कांग्रेस को जनता खदेड़ रही है, मोदी जी की योजनाओं को और मोदी जी को जनता स्वीकार कर रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। इसलिए कांग्रेस नकारात्मक राजनीति से ग्रस्त है, और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, तो क्योंकि उन्होंने विरोध की राजनीति की है और आगे भी विरोध करते रहेंगे, और जनता उनको इसी गति से खदेड़ती रहेगी।